गुरु हाँ ये वही खत है ना? हाँ उसी का है ना? हाँ क्या लिखा है? चुप बे गधे, क्या लिखा है? ये कोई रामायण या महाभारत है जो मैं तुझे पढ़ के सुनाऊं? ये लव लेटर है प्यारे, लव लेटर। अरे यही तो पूछ रहा हूँ कि लव लेटर में होता क्या है। तेरी सुनने की आदत नहीं जाएगी, सुन। लव, लव की बातें, लव लेटर सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। अरे भाई हम क्या जाने, आज तक किसने कोई लव लेटर लिखा हो तो ना। गुरु एक बात तो बता, ये तेरा लव का चक्कर शुरू कैसे हुआ? हाँ ये बता सकता हूँ। एक बार छुट्टियों पर जब घर गया तो अरे नहीं नहीं गुप्ता भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अनु को अपनी बहू बनाने का फैसला मैं बरसों पहले कर चुकी हूँ। माँ तू आ गया, पहचाना इन्हें? नहीं तो। अरे ये तेरे डॉक्टर अंकल हैं, दिल्ली वाले, याद है तू इन्हें बहुत सताया करता था बचपन में? अरे हाँ याद है। नमस्ते अंकल। आजकल यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। इनकी एक बेटी थी ना अनु, क्या कर रही है वो अंकल आजकल? वो वकालत पढ़ रही है। अच्छा, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि तेरी और अनु की शादी हो जाए। अगर आप चाहती हैं तो हो जाएगी। चाहता तो मैं भी हूँ लेकिन वो नहीं चाहती। कौन? अनु। क्यों? कहती है मैं आर्मी वाले से शादी नहीं करूंगी। वो बड़े अनरोमांटिक होते हैं, वो सिर्फ हुक्म चलाना या हुक्म मानना जानते हैं। आर्मी वाला घर को भी परेड ग्राउंड बना देता है। ये बात है अंकल, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अनु को सीधा कर लूंगा। अरे दरअसल इस ड्रेस से धोखा खा गया। Damn it, what dress? यही जो आपने पहन रखा है, ये लाल, ये रोज। I'm sorry, आपका चश्मा गिर गया। I'm sorry, लीजिए ना। I'm very sorry, sorry, लीजिए ना। You? देखिए देखिए देखिए, आप गुस्सा मत होइए। हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे ऐसी ड्रेस में यहाँ मिलेगी। हा? लेकिन वो पीटी नहीं है। You are beautiful, you are gorgeous. I am sorry. आपकी तो आंख नहीं टिकती, जैसे आईने पे धूप चमक रही हो। वैसे आपको लगा था? I am sorry. अच्छा बाबा जाता हूँ। I'm sorry, darling. Stupid fool. क्यों अंकल? कैसी रही? ठीक है बेटे, लेकिन जरा संभल के ये छुआछाई मत करो। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं आपके पीछे पड़ी हूँ? जाहिर है कि जिस शीला के धोखे में मैंने तुम्हें पकड़ लिया था ना, मैं समझा वही शीला गुस्से में आकर आत्महत्या करने जा रही है। वैसे आप आत्महत्या करने क्यों जा रही है? आपसे जान छुड़ाने के लिए। मिस्टर सोएंसो नहीं, मेजर विजय कुमार सिंह। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्लडी डैम नेम। गेट ऑफ। क्यों अंकल, अब कैसी रही? क्या कैसी रही, बुरा नहीं मानना, ओवरडोज हो रहा है, ये छपटा छपटी बंद करो। हेलो डार्लिंग। हाँ मैं। तुमने फिर मुझे शीला का नहीं, नहीं, नहीं। मैंने आपको आप ही समझा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं गलती से आपके पीछे पड़ गया और शीला ने मुझे गलत समझ लिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ। देखो मिस्टर, दिस इज वन वे ट्रैफिक। अरे वन वे ट्रैफिक इज वेरी गुड, क्योंकि वन वे ट्रैफिक में एक्सीडेंट का खतरा कम होता है ना। देखो मिस्टर, मैं पुलिस को बुला के तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तुम तो बस नो एंट्री में घुसे चले जा रहे हो। अरे नो एंट्री में कौन घुस रहा है? आपने तो ऑलरेडी मेरे दिल में एंट्री कर दिया। तुम लड़की नहीं है मेरी जान, बताता है। देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, हाय दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। आंखों को तेरा इंतजार हो गया, मस्ती है कितने खुमार हो गया। मेरी जान गुल बदन जाने जाने मन, मेरी जान गुल बदन जाने जाने मन, तेरे लिए मैं बेपना।
देखा जो तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। देखा जो तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। मत कर खटपट, शादी का परमिट मेरे लिए है ये तेरा घूंघट, आंचल की सलवट पूरा ये पनघट मेरे लिए। ओ मेरी नटखट, मत कर खटपट, शादी का परमिट मेरे लिए है ये तेरा घूंघट, आंचल की सलवट पूरा ये पनघट मेरे लिए। नदिया में जब से उभार हो गया, लहरों पे जियरा सवार हो गया, तेरे लिए मैं हाँ तेरे लिए मैं फरार हो गया। देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। ओ देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। होठों की लाली होठों को तेरे चूम रही है, हमसे तो अच्छी साड़ी है तेरी गोरे बदन पे लिपटी हुई है, हमसे तो अच्छी होठों की लाली होठों को तेरे चूम रही है। आंखों का कजरा कटार हो गया, गाल का तिल तलवार हो गया। देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। देखा जब तुझको तो प्यार हो गया, दिल मेरा तुझ पे निसार हो गया। उसके बाद तुझको तो प्यार हो गया, ये मेरा कुछ भी निसार हो गया। देखा जो तुझको तो प्यार हो गया, ये मेरा कुछ भी निसार हो गया। आँखों को तेरा इंतजार हो गया, मस्ती है इतनी पुकार हो गया मेरी जान। और उसके बाद चुप है। माँ भैया का तार आया है, भैया आज आ रहे हैं। अच्छा हेलो हेलो रसिक, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अरे वर्षा, अरे तुम स्टेशन नहीं गई? मेजर साहब आ रहे हैं ना। तुमसे बात करने को रुक गई, भैया आ जाएंगे तो ना तुमसे बात करने का मौका मिलेगा
और ना मिलने का। अरे यार तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सुना है कि 3 महीने के लिए आ रहे हैं। गड़बड़ कुछ नहीं होगी, मैंने जिंदगी भर के मिलन का बंदोबस्त कर लिया है। वो कैसे? मैंने भाभी को पटा लिया है, भाभी भैया से बात करेगी और भैया भाभी की बात टाल नहीं सकते। अरे वाह कमाल कर दिया, हो जाए इस बात पे पप्पी। अरे अरे भैया आ गए। भैया अरे चुन्नू कैसे? ये रामनाथ जी आपकी वकालत कैसी चल रही है? आपकी कृपा है प्रभु, सच्चाई और न्याय का दामन कभी मत छोड़िए। कल्याणमस्तु। प्रणाम रघुनाथ राय जी, आपका बिजनेस और धंधा तो फल फूल रहा है ना? सब आपके चरणों का प्रताप है बाबा। कल्याणमस्तु। इंस्पेक्टर लाल, आपकी तरक्की शीघ्र ही होने वाली है। धन्यवाद भगवान। कल्याणमस्तु। कल्याण। हरि ओम। कल्याण, आपकी बेटी की शादी तो अच्छी तरह हो गई थी ना? कल्याणमस्तु। 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 कपड़े पहनना पाप है, ये वचन किसके हैं? बाबा काशीनाथ के। अर्थात हमारे। अहम् ब्रह्मास्मि। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही भगवान हैं। भगवान ने मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को वस्त्रहीन जन्म दिया, किंतु मनुष्य ने वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। कब से? जब उसे लाज और शर्म का ज्ञान हुआ, और यह भी ज्ञान हुआ कि स्त्री और पुरुष में अंतर है। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है भगवान? वही जो हम में और तुम में है। मगर हम तो समझते हैं आप में और हम में कोई अंतर नहीं। यही तो महान रहस्य है। बैठ जाओ बालिके। रेत रेत में लीन हो जाती है, मिल जाती है, पानी पानी में, हवा हवा में, नर नारी में, नारी नर में घुल मिल जाते हैं। इस आपस के मिलन से ही नव निर्माण होता है। अरे अरे पागल। आनंदी आओ आओ। आइसक्रीम। थैंक यू अंकल। तुम खाओ। कैसी है? Average. सिर्फ एवरेज? अरे भाई स्वाद है, मीठी है। आनंदी आइसक्रीम। गुड गर्ल। डॉक्टर साहब मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? लाला जी मेरा ख्याल है इसकी शादी हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शादी? मेरी शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? क्यों? सब कहते हैं मैं पागल हूँ, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं करता। कौन कहता है तुम पागल हो? तुम पागल थोड़ी ना हो, तुम तो सिर्फ आइसक्रीम की दीवानी हो। बस बस एक और। डॉक्टर साहब मैंने इसके लिए कितने रिश्ते ढूंढे,
मुंह मांगे रुपए देने को भी तैयार हूं। इसका फोटो देखते ही लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी है, मगर मिलने के बाद और बात करने के बाद कोई पलट कर नहीं आता। लोगों ने सब जगह बात फैला दी है। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। हाँ और एक मिलेगी। क्या तुमने सुना नहीं, मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वो तो ठीक है पर आइसक्रीम। हेलो जी डैडी। तो तुमने क्या फैसला किया? किस बात का? शादी का फैसला बेटी। किसकी शादी? अरे भाई तुम्हारी शादी और किसकी? डैडी मेरी शादी, वो फैसला तो मैं कब का कर चुकी हूँ। मेरी शादी विजय से होगी। क्या लेकिन तुम तो कहती थी कि फौजी लोग संगदिल वगैरह वगैरह होते हैं। अरे डैडी वो तो तक की बात थी, अब हमारी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखो बेटी खाली अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा, मुहूर्त फाइनलिटी मांगता है। देखो वो दो महीने की छुट्टी पर आया हुआ है, इसी बीच सारी बात हो जानी चाहिए। ये बताओ बात मैं करूं या? मैं करूंगी। हेलो हीरो साहब बोल रहे हैं? हाँ कहिए हिरन जी। मैं पूछती हूँ गार्डन में भटकना, पार्कों में घूमना और झील के किनारे मिलना बंद करके शादी का इंतजाम कब करोगे? शादी? अरे किसकी शादी भाई? किसकी मतलब क्या, हीरो हीरोइन की? ओ समझा। देखो भाई हर फिल्म में हर कहानी में हीरो हीरोइन की टक्कर होती है, फिर उनका प्यार हो जाता है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। यह इतना घिसा पिटा फॉर्मूला है कि अब कुछ नया करने को जी चाहता है। नया? क्या नया? नया ये कि ये हीरो किसी नई हीरोइन के साथ चक्कर चलाए और जो हीरोइन फोन कर रही है ना वो किसी और हीरो को तलाश करे। इन दैट केस जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? क्या करोगी? क्या 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 क्या? इसको नचवाऊंगी। इसको? हाँ। ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा अम्मा अम्मा, ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा, मेरा चूल्हा जला दे मेरी रोटी पका दे। होने वाले बच्चों की अम्मा, मेरा चूल्हा जला दे मेरी रोटी पका दे। अम्मा मेरा शिकवा मिटा दे कोई जलवा दिखा दे। ओ मेरे होने वाले बच्चों के पापा, मुझे दिल्ली दिखा दे मुझे बॉम्बे घुमा दे। हाँ
खुद गर्जी को डड़ गिड़ गिड़ा डड़ गिड़दा मान ले मेरी मर्जी को डड़ गिड़ गिड़ा डड़ गिड़दा आज समझ ले कुरमाई कल बाजेगी शहनाई कभी हम मानेंगे कभी हम रूठेंगे जमीन पर ही सारे सितारे लूटेंगे मेरे होने वाले बच्चों के पापा मुझे दुल्हन बना दे मेरे स्टेज सजा दे ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा मेरा चूल्हा जला दे मेरी रोटी पका दे शरारत हो जाए नजरे इनायत हो जाए रब की इबादत हो जाए तुझसे मोहब्बत हो जाए तेरा मैं राजा हूँ मेरी तू हीर बने जहाँ मैं जीने की कोई तदबीर बने ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा दर्द दिल तो मिटा दे कोई दवा बता दे ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा मेरा चूल्हा जला दे मेरी रोटी पका दे चूल्हा जलवा लेना रोटी पकवा लेना अगर उससे पहले दुनिया दिखला देना ओ मेरे होने वाले बच्चों के पापा हाँ मुझे दिल्ली दिखा दे मुझे बम्बई घुमा दे ओ मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा मेरा चूल्हा जला दे मेरी रोटी पका दे अरे बाबा शादी के बाद इतना नहीं नचाओगी ना ये तो सिर्फ रिहर्सल था मेरे साहब तो फिर जल्दी करो ना अब तो नाचने का मूड भी आ गया है ठहरो 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 हम दोनों की शादी में एक छोटी सी रुकावट है वो क्या वर्षा वर्षा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसे रफू चक्कर कर दूं तो अरे वर्षा को खुद अपने भैया की शादी की जल्दी पड़ी है उसने तो लड़का भी ढूंढ लिया क्या हाँ वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं वैसे ये जाते शरीफ हैं कौन हाँ मैं वर्षा से प्यार करता हूँ लेकिन शादी की बात तो आपको डैडी से करनी पड़ेगी ना ठीक है तो फिर मैं शादी की बात तुम्हारे डैडी से ही करता हूँ सेना से संबंध रखने वाले सभी अधिकारियों और जवानों के लिए विशेष सूचना इमरजेंसी कॉल थल जल और वायु सेना के तमाम अधिकारी और जवान जो छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टी रद्द की जाती है सुरक्षा मंत्रालय का आदेश है कि वो फौरन अपनी अपनी टुकड़ियों में वापस आकर हाजिरी दें सूचना समाप्त हुई विजय तुम जा रहे हो हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी क्यों छह दिन के बाद हमारी शादी का मुहूर्त है ऐसे में तुम कैसे जा सकते हो अनु जिस दिन ये जंग खत्म होगी और हमारी जीत होगी वो शुभ दिन ही हमारी शादी का दिन होगा नहीं विजय नहीं बस एक बार मेरी बात मान लो तुम कहो तो मैं पापा से बात करके तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा सकती हूँ अनु फिर कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना मैं झूठा सर्टिफिकेट क्यों दूं किसके लिए हम किसको धोखा देना चाहते हैं मैं पूछता हूं मैं लड़ाई पर किसके लिए जा रहा हूं तुम सबकी रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए तुम चाहती हो मैं अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लूं देश से द्रोह करूं हां आंटी आंटी प्लीज आंटी आंटी आप ही नहीं समझाइए ना नहीं अनु वो जरूर जाएगा आंटी दुनिया में जन्म लेने वाले हर इंसान को अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए तभी वो इंसान पूरा इंसान कहलाता है आज विजय के जीवन में वो मौका आया है उसे अपना फर्ज पूरा करने दो मां चुप
लड़ाई के मैदान में पीठ न दिखाना। भगवान न करे मुझे तेरे शहीद होने की खबर मिले तो साथ में ये भी खबर मिले कि तूने सूने में गोली खाई थी पीठ पर नहीं। आकाशवाणी है। युद्ध के ताजा समाचारों के अनुसार सियालकोट की सीमा पर घमासान लड़ाई चल रही है। हमारी फौजों के भारी हमले के कारण दुश्मन की फौजें पीछे हट रही हैं। चौथी राजपूत रेजिमेंट के मेजर विजय कुमार सिंह ने आज अपनी टुकड़ी के साथ जवाबी हमले में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। 18 साबर जेट हवाई जहाज और 30 पैटन टैंक तबाह कर दिए। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने मेजर विजय कुमार सिंह को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई दी है। समाचार हसमुख। हाँ मालकिन। सुनो हम आश्रम जा रहे हैं। हाँ। तुम घर का ख्याल रखना और छोटू स्कूल से आया तो उसे खाना खिला देना। हाँ हाँ खिला देंगे। 20 बरस से काम कर रहा हूँ क्या इतना भी नहीं जानता। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बाबा काशीनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। सुना है बड़े चमत्कारी हैं। अरे छोड़िए आंटी ये बाबा बाबा सारे फ्रॉड होते हैं। अरे अरे नहीं बेटिया इतने बड़े ज्ञानी पुरुष के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे वो तो बहुत पहुँचे हुए हैं। मैं खुद देख के आ रहा हूँ उनकी दी हुई भभूत से कितने लंगड़े लूले अंधे गूंगे बहरे ठीक हो गए हैं। अच्छा तो तूने आंटी को सीढ़ी पे चढ़ाया है? ऐसा नहीं कहते बेटी मैं तो माँ हूँ ना जहाँ भी सुनूंगी आशीर्वाद बट रहा है विजय के लिए लेने चली जाऊंगी। तो आप जाइए ना आंटी। वर्षा तू वहाँ जाके क्या करेगी? कहीं उस बाबा ने तेरे सर पे भसम भसम डालकर तुझे बुलबुल बना दिया तो अपन गप्पे मारेंगे। बाबा कोई देवी आपके दर्शन करना चाहती है? देवी दर्शन करना चाहती है तो देवी को दर्शन अवश्य मिलेंगे। आने दो। जो आप क्या? जाइए। से मिले हुए मैंने इनकार किया तो मुझे फंसाना चाहते हैं। बस आज का दिन मुझे बचा लो। अगर कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं। अंदर जाकर ढूंढो। क्या बात है? मेजर साहब कहां है? वो यहां नहीं है। इन बातों से कोई फायदा नहीं मिसेस सिंह। महीनों से पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस के लोग मेजर सिंह के पीछे हैं। आज जब वो मिलिट्री सीक्रेट्स दुश्मनों को बेच रहे थे तब हमने छापा मारा। दुश्मन का आदमी तो पकड़ा गया मगर मेजर सिंह एक सिपाही को गोली मारकर निकल भागे और वो यहीं आए हैं। आप एक देशभक्त की बेटी हैं, देशद्रोही को पनाह मत दीजिए। आप वो नहीं है मिसेस सिंह। आपने उस देशद्रोही को कहां छुपाया है? वो यहां नहीं है दरोगा साहब। वो यहां है मिसेस सिंह। अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहिए कि वो यहां नहीं है। रखिए हाथ। खाइए कसम। कसम खाइए। ठीक है अभी तो हम चले जाते हैं मगर उस आदमी को हमारे हवाले करना आपका कर्तव्य है। कम ऑन।
अंदर जाके सो जा। वो झूठ कह रहे हैं अन्नपूर्णा। वो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो। तुमने देश से गद्दारी की और एक बेगुनाह सिपाही की जान ले ली। अगर मुझे इसका डर न होता कि तुम्हें फांसी हो जाएगी, मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया होता। एक सुहागन की खुदगर्दी ने आज तुम्हें बचा लिया। अब भगवान के लिए मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी से चले जाओ। मेरी बात तो सुनो अन्नपूर्णा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इसके पहले कि सिंदूर प्रेम देश प्रेम से हार जाए, तुम निकल जाओ। मैं भी बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मैं उनके माथे पर तुम्हारे देशद्रोह का कलंक नहीं लगने दूंगी। तुमने मेरे मां की सिंदूर को कलंकित किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा निकल जाओ। मैं तुम्हें पुलिस को बुला दूंगी। निकल जाओ। उधर से नहीं, पिछले दरवाजे से जाओ। तुम हो बाबा काशी। हाँ अन्नपूर्णा, मैं हमेशा तुम्हारे और बच्चों के पास वापस आना चाहता था। उस दिन तुमने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया था तो भी, लेकिन मजबूरन मुझे अपने दिल पर पत्थर रख लेना पड़ा। बच्चों की नजरों में गिर जाने का डर था। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ये रूप धारण कर लिया। नहीं, ये झूठ है। कल तुमने फौजी वर्दी पहनकर देश को धोखा दिया। अब ये गेरू अवस्त्र पहनकर समाज को धोखा दे रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हो। सीधे साधे भक्तों की भक्ति का खून चूस रहे हो। नहीं अन्नपूर्णा, मुझ पर विश्वास करो। मैं ये विश्वास करूं कि तुम सचमुच बदल गए, सन्यासी बन गए? हाँ अन्नपूर्णा, मैं सचमुच बदल गया हूँ। नहीं, अगर तुम सचमुच बदल गए होते तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते, अपने किए की सजा भुगतते, इस तरह चोला बदलकर अपना उल्लू सीधा न करते। अन्नपूर्णा, तुम बेकार आवेश में आ रही हो। मैं आवेश में नहीं आ रही। बाप तो देशद्रोही है, मगर मुझे गर्व है कि बेटा देश का रक्षक है, देश की खातिर सरहद पर लड़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन देशद्रोही पिता को देशभक्त बेटा अपने हाथों से गिरफ्तार करेगा। अन्नपूर्णा, मुझे गिरफ्तार करवाकर तुम अपने माथे का सिंदूर मिटाना चाहती हो? माथे का सिंदूर, ये सिंदूर तो उसी दिन मिट गया जिस दिन तुम देशद्रोही बने। अब तो ये मेरे माथे की सजावट बनकर रह गया है। क्योंकि मैं ब्याहता हूं, इसलिए मरते दम तक मेरे माथे पर रहेगा। अन्नपूर्णा, तुम ये क्या कह रही हो? अन्नपूर्णा, ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो अन्नपूर्णा, ऐसा मत कहो अन्नपूर्णा। सड़क से पड़ी थी, जब हमने पहचाना कि ये महेश्वर की माँ है तो हम यहाँ ले आए। सर, आपके लिए मैसेज। ओके, ब्रिगेडियर जे जे खन्ना स्पीकिंग। व्हाट? ओ माय गॉड, मैसेज रिसीव्ड, ओवर। क्या हुआ सर? मेजर विजय कुमार की माँ का देहांत हो गया है। इज इट सर? यस मेजर, ये खबर विजय कुमार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके सर। क्या हुआ माजी को? स्वर्गवास हो गया है। ऑर्डर तो ये थे कि तुम्हें अभी ना बताया जाए, लेकिन यार तुम्हें कैसे ना बताते। मेजर विजय कुमार, दो तीन दिनों से जवानों में एक डिप्रेशन, एक उदासी सी छाई हुई है, जो बहुत बुरी बात है। हमें इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा,
दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है, एक नया हमला शुरू कर सकता है। एक सिर्फ तुम ही हो जो जवानों को जोश दिला सकते हो कि यह रणभूमि है, यहां माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को याद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। जन्म भूमि जन्म देवी माँ से भी महान है, ये जन्म भूमि जन्म देवी माँ से भी महान है। इसी में मेरी आन है, इसी में तेरी शान है, ये जन्म भूमि जन्म देवी से भी महान है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। बस नौ महीने जन्मदायिनी माँ तेरा, धरती माँ तो आखिरी दम तक बोझा ढोती है तेरा। माँ का कर्ज तो चुक जाता है, चिता में आग लगा कर भी धरती माँ का कर्ज चुकेगा, अपनी की जिंदगी तो त्याग है बलिदान है। ये जन्म भूमि जन्म देवी
मौत वो मरो की याद जो करे सभी, जो औरों के लिए मरे वही तो होती जिंदगी। कभी नहीं वो मिटते हैं जो देश पर फना हुए, जो देश पर फना हुए, जो माँ के काम आ गया अमर वही जवान है। ये जन्म भूमि जन्म देवी माँ से भी महान है, इसी में मेरी आन है, इसी में तेरी शान है। ये जन्म भूमि जन्म देवी माँ से भी महान है। जननी स्वर्गादपी गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी। आज का दिन विजय का दिन है। आज हम सलाम करते हैं उन नौजवानों को जो इस लड़ाई में शहीद हुए, और सम्मानित करते हैं उन तमाम वीरों को जो रणभूमि से सुरखरू वापस आए हैं। सरबुलंदी से आने में सबसे पहला नाम मेजर विजय कुमार सिंह का है। मेजर विजय कुमार ने तन तनहा दुश्मन की एक पूरी चौकी को तबाह करके हमारी फौजों के आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया, जिसके नतीजे में हमारी विजय हुई। इसका मतलब यह हुआ कि आज का दिन सिर्फ विजय ही का दिन नहीं है, बल्कि मेजर विजय कुमार सिंह का दिन भी है। उन जवानों के लिए और भी गौरव की बात है जो रणभूमि में मेजर विजय कुमार के साथ थे, और जो ये जानते हैं कि मेजर विजय कुमार सिंह ने कैसे अपनी मां के देहांत की खबर आने के बाद अपने आंसुओं को रोका और जवानों का हौसला बढ़ाया। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जी ने सम्मानितों की फहरिस्त में मेजर विजय कुमार का नाम सबसे ऊपर रखा और इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर विजय कुमार सिंह। इस तरह दिल छोटा करने से जाने वाले वापस तो नहीं आ सकते। मां के बिना यह घर देखने की आदत नहीं है। यहां की हर चीज उनकी याद दिलाती है। विजय, तुम्हारी मां बड़ी भाग्यशाली थी। वो जीवन में जो पाना चाहती थी उन्होंने पा लिया। वो वीर माता थी। इकलौते बेटे को देश पर कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी भेजने का साहस उन्हीं में था। उनकी आत्मा ने बड़ी शांति और संतोष के साथ तन का चोला छोड़ा है। देखो बेटे, कहते हैं जिस घर में कुछ अशुभ हो जाए उस घर में फौरन कुछ शुभ काम होना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शादी का मुहूर्त तय करने के लिए हाँ कह दो। अभी तो मां की चिता का दुआ भी नहीं छटा अंकल। हाँ बेटा,
इसीलिए तो, ताकि उस धुएं में तुम्हारा दम ना घुट जाए। और सुनो, रसिक के पिता से वर्षा के बारे में बात करके मुहूर्त निकलवा लो, ताकि तलवों पर दोनों शादियां एक साथ हो जाए। पिताजी 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 पिताजी, भाड़ा याद कर रहा गया। पापा वो आए हैं पिताजी। वो आए आइसक्रीम लेके आए ना। आइसक्रीम लाने के लिए रघुवर को भेजा है, आता ही होगा। तो अपने कमरे में चल। कौन आया? अब वर्षा के बारे में बात की थी ना पिताजी, उसके भाई आए हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तू बीच में आया तो बात वही ठप कर दूंगा। अब पिताजी मैं भी आती हूँ, मेरी आइसक्रीम। नहीं नहीं नहीं, तो अपने भैया को यही पकड़ के रख, दो आइसक्रीम दूंगा। दो आइसक्रीम? लेकिन पिताजी वो मैं अब आइसक्रीम। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठो बैठो। कहिए। मेरे ख्याल से रसिक ने आपसे जिक्र किया होगा। इस घर में छोटे बड़ों से कोई जिक्र विक्र नहीं किया करते। वैसे बात क्या है? दरअसल बात यह है कि रसिक और वर्षा। वर्षा? वर्षा कौन? मेरी बहन। ओह वर्षा आपकी बहन है? अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। और रसिक का मतलब मेरा बेटा। जी। तो क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना ही चाहिए। तो क्या? और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, शादी करना चाहते हैं। प्यार किया तो शादी करनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपको किसने कहा? खुद उन्होंने। खुद उन्होंने ब्याह का निर्णय किया? खुद उन्होंने बताया आपको? मैं किस खेत की मूली हूँ? हाँ हाँ, समझा समझा साहब, आप मुझे इनवाइट करने आए हो। कैसी बात कर रहे हैं लाला जी, आप रसिक के पिता हैं, आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं कहूँगा ये शादी नहीं होगी, फिर आप कहेंगे दो प्रेमियों को जुदा करना ठीक नहीं। मैं कहूँगा प्रेम तो मुझसे पूछ कर किया नहीं गया। ये सुनकर रसिक अपना मुंह लटका लेगा। मैं कहूंगा रसिक, पिता और प्रेमिका इसमें से एक को चुनना होगा। वो कहेगा मुझे आपकी और आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कहूंगा चले जा। फिर आप कहेंगे। ये सारी बातें आप कहेंगे क्यों? रसिक ने तो कहा था कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, यानी रसिक मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। उसका क्या है? छुट्टा सांड है, प्रेम करे ब्याह करे, घर की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मेरे बाद क्या होगा? वो तो अपनी वर्षा के साथ मजे की जिंदगी बिताएगा। और इस घर में एक लड़की भी है, उसका क्या होगा? वो कहां जाएगी? वो तो मेरे सपूत की तरह आंखें नहीं सेक सकती। प्रेम विवाह करना तो शरीफों का चलन नहीं है, और अच्छा लड़का तो नहीं मिलता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि दामाद लाए बिना बहू नहीं लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन और मेरा बेटा उनका दिल ना टूटे, तो आप मेरे बेटी से शादी कर लीजिए, मेरा बेटा आपके बहन से शादी कर लेगा। मगर लाला जी, आप दो अलग अलग चीजों को क्यों मिला रहे हैं? अलग अलग चीजों को? ये तो खून के रिश्ते हैं श्रीमान जी। वर्षा आपकी बहन है, आनंदी रसिक की। इसी को कहते हैं बदले की शादी। इस हाथ दो उस हाथ लो। मगर मेरी शादी तो कहीं और तय हो चुकी है लाला जी। बधाई हो, पर मेरे रसिक की शादी उसी लड़की से हो सकती है जिसका भाई कुंवारा हो और वो मेरी बेटी से शादी करने पर राजी हो। आगे आप सोच लीजिए। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कहा कि मेरी भी एक बेटी है, अगर मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं तो उन्हें रसिक से वर्षा की शादी मंजूर है। दुनिया में एक रसिक लड़का नहीं है, उसके लिए एक से एक अच्छे लड़के मिलेंगे। मगर वर्षा तो उसी से प्यार करती है। वर्षा प्यार करती है तो वो भी तो उससे प्यार करता होगा, लेकिन उसने अपने बाप के सामने मुंह तक नहीं खोला। मैं समझाता हूँ वर्षा को। पापा पापा, वर्षा कैसी है? वर्षा? क्या हुआ वर्षा को? जब मैं आई तब वो बेहोश पड़ी थी, मैंने पापा को बुला लिया। पापा कैसी है वो?
क्या हुआ अंकल? जान को तो खतरा नहीं, लेकिन मामला गंभीर है। वो मां बनने वाली। Man proposes, God disposes. But sometimes God proposes and man has to dispose. मगर अनु, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। तो क्या अपनी बहन के साथ अन्याय करोगे? अनु, मैं देखो विजय, वर्षा की शादी सिर्फ रसिक के साथ हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये तभी हो सकता है जब तुम उसकी बहन के साथ शादी के लिए हामी कर दो। उसे वर्षा से लगन करना ही पड़ेगा। उसने मेरी बहन के साथ जो किया है, उसके बाद वो शादी से कैसे इनकार कर सकता है? अगर उसने इनकार कर दिया तो? तो मैं जबरदस्ती उसे गर्दन से पकड़कर शादी के मंडप में बिठाऊंगा। चलो जबरदस्ती तुमने ये शादी करा भी दी, मगर क्या तुम हमेशा वहाँ मौजूद रहोगे उसे मजबूर करने के लिए कि वो तुम्हारी बहन को खुश रखे, उसके साथ सुख से रहे? मगर तुम ये क्या समझती हो कि मेरी बहन के साथ सुख से नहीं रह सकता? विजय, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बहन सुख से रहे, उसी तरह वो भी चाहता होगा कि उसकी बहन भी सुखी रहे, इसीलिए वो अपने पिता के सामने मुंह ना खोल सका। विजय, अपनी माँ के स्वर्गवास के समय भी तुमने अपने कर्तव्य को ऊंचा समझा। जब उस वक्त तुमने स्वार्थ को कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया, तो आज स्वार्थ के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? अगर तुमने स्वार्थी बनने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी। यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर जाओ, जाओ। अपना ख्याल रखना और पहुंचते खत लिखना। अपना ख्याल रखना और पहुंचते खत लिखना। खत लिखना। सुनिए, हम भी चले। कहां? आइसक्रीम खाने। चलो। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ विजय, आओ बैठो। जी मैं वापस ड्यूटी पर जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी तो अभी छुट्टियां बाकी हैं। जी हाँ, छुट्टियां तो बाकी हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। माँ मुझसे दूर चली गई, मैं अनु से दूर चला गया। अब कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ, इसलिए यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। मेरे लिए अनु को भुलाना मुश्किल है, और अगर मैं यहां रहा तो अनु भी मुझे भुला नहीं पाएगी। मैं यहां से चला जाऊं तो शायद वो मुझे भूल जाए, शादी कर ले। मैं नहीं समझता कि अनु अब
जीवन में तुम्हें हार गई, शायद प्रोफेशन में कामयाब हो जाऊं। ब्लेस मी। खड़े देख क्या रहे हो? अरे गोदाम में आग लगानी है, जल्दी से सामान ला दो, सारी रात अपने बाप की नहीं है। सेठ जी सब सामान लग गया। वो फिर भी देख लो कहीं एक आध बोरी रह तो नहीं गई। इंश्योरेंस से पूरा वैसा वसूल करना ही है तो फिर हम एक आध बोरी भी क्यों छोड़े? कुछ नहीं बचा, सब चढ़ा दिया। वो तो तुम भी चढ़ जाओ, जाओ जाओ अब लगा दो गोदाम में आग। हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। अरे तू कौन सा कीड़ा है, भूल डालो साले को। इंस्पेक्टर मैं विजय कुमार सिंह हूं, जल्दी चलिए। क्या हुआ? आइए इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। ये देखिए ये जो बोरियां जल रही हैं इनमें भूसा भरा हुआ है, देखिए। मिस्टर रघुनाथ राय, हम तुम्हें बचा सकते हैं लेकिन रुपया बहुत खर्चा होगा। कम से कम 1,00,000 रुपया। 1,00,000? बाबा काशीनाथ मैं कल्याण मस्त। 4,00,000 रुपया तो तुम्हें इंश्योरेंस से मिले और गोदामों से जो अनाज उठवाया है काले बाजार में उसका भाव भी तो ऊंचा मिलेगा। और फिर ये काम इतना आसान नहीं, राजधानी से राजधानी भागना पड़ेगा, बड़े से बड़े अफसर की जेब भरनी पड़ेगी, फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक 100-100 के नोटों का वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। और अगर तुमने अपनी मुट्ठी भूची तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है मैं 1,00,000 देने को तैयार हूँ पर कल्याणमस्तु। इस केस के लिए हमारा परम भक्त रामनाथ ठीक रहेगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेजर विजय कुमार सिंह। मेजर आपके नाम का हिस्सा है? जी नहीं, ये मेरा ओहदा है, मैं इंडियन आर्मी में मेजर हूँ। आई सी। मेजर विजय कुमार सिंह आपका कहना यह है कि सेठ रघुनाथ राय के गोदाम नंबर 4 से अनाज की बोरियां उठाई गईं, कूड़ा करकट की बोरियां भर दी गईं और फिर उसमें आग लगा दी गई। जी लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड को जो बोरियां मिली हैं उनमें तो अनाज ही था। इम्पॉसिबल, जो शख्स ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप सच बोल रहे हैं? मेरी आंखों के सामने अनाज की बोरियां उठाई गई, गोदाम में आग लगाई गई, जब मैंने दखल देने की कोशिश की तो वो लोग भाग गए।
मैंने फॉरेन पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने मौके पर आकर तहकीकात की। जब मैं वहां पहुंचा तो आग तकरीबन बुझाई जा चुकी थी। छानबीन के बाद पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और जली अजली बोरियों में अनाज ही था। थैंक यू इंस्पेक्टर मल्होत्रा। योर ऑनर, अगर ये मान लिया जाए कि गोदाम का मालिक झूठ बोल रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकारी अफसर तो झूठा बयान नहीं दे सकता। अदालत को यह फैसला करना है कि मेजर सिंह और इंस्पेक्टर मल्होत्रा में सच कौन बोल रहा है। हकीकत तो यह है योर ऑनर, मेजर सिंह ने गोदाम को जलते हुए देखा, आगे उनका तखय्युल है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। दरअसल अदालत के सामने पेश किए गए बयानों और खुद प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि FIR गलत थी। ये साबित हो चुका है कि जिस वक्त गोदाम में आग लगी, गोदाम में अनाज मौजूद था और इसलिए मालिक गोदाम इंश्योरेंस के मुआवजे का पूरा हकदार है और अदालत श्री रघुनाथ राय को बाइज्जत बरी करती है। इंस्पेक्टर, तुमने अदालत में झूठ क्यों बोला? देखो मेजर, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज्यादा मेरा तजुर्बा है। ऐसे केस तो रोज होते, इन्हें देख के अनदेखा कर देने में ही भला है। इफ इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस देन लीव इट। आइए रघुनाथ राय जी, आइए अदारी बैठिए। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद तो हो रघुनाथ राय, केस भी तुम जीत गए, अनाज भी तुम्हारा बच गया और फोकट में इंश्योरेंस से 4,00,000 रुपया भी तुम्हें मिल गया। हमारी फीस लाया है? लाया हूं। ये लीजिए 1,00,000। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। लक्ष्मी से हमारी आजकल कुछ अनबन चल रही है। If a face could last a thousand मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। कल्याणमस्तु, बच तो जाओगे मगर तुमने ये मूर्खता की कैसे? मदिरा, नारी और कार, ये त्रिकोण ही ठीक नहीं है। जो होना था वो तो हो गया बाबा, अब आप ही लोग मुझे बचा सकते हैं वरना मुझे फांसी लग जाएगी। पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि हम तुम्हें बचा सकते? रघुनाथ राय। आपका नाम? धर्मराज सिंह, पुत्र करमराज सिंह। आप पर इल्जाम है कि इस महीने की 2 तारीख को रात के 11:30 बजे शराब के नशे में धुत आप। इल्जाम मालूम है योर ऑनर, मगर मैं उसमें कर ही क्या सकता हूँ। आजकल मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। पहले तो मेरी टांग टूट गई, गांधी अस्पताल में सड़ना पड़ा और अब एक नहीं, दो नहीं, 5-5 आदमियों को कुचल कर मार डालने के इल्जाम में मुझे धरा गया है। आपकी टांग टूटने का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं? ताल्लुक है देवी जी, है। मेरी टांग टूटने का इस केस से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पिछले 24 तारीख से आज सुबह तक मैं अपनी टूटी टांग लिए गांधी अस्पताल में पड़ा था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेजर विजय कुमार, मिस्टर धर्मराज, हो सकता है कि आप अस्पताल के लोगों की आंखों में धूल झोंककर आधी रात को तफरी के लिए निकल गए हों। अभी तक तो मेरा प्लास्टर भी नहीं उतरा है,
आप खुद ही देख लीजिए, देखिए देखिए। पिछले महीने की 24 तारीख को मिस्टर धर्मराज मेरे हॉस्पिटल में ठीक सुबह 10 बजे आए। वो अपनी पिंडली की हड्डी का कंपाउंड फ्रैक्चर लेकर आए थे और मैंने उन्हें 11 बजे अपने हॉस्पिटल एडमिट कर लिया और उनकी टांग पर करीब शाम में 6 बजे मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया। वैसे इनके लिए चलना फिरना बिल्कुल मना है। मैं नर्स हूँ और फिर मरीजों की हर जरूरतों को पूरा करना जी मेरा धर्म है जी। मैं दौड़ी दौड़ी जी उनके कमरे में गई। वो टांग में दर्द की वजह से जी तड़प रहे थे जी। जी मुझे उनका तड़पना देखा नहीं गया जी। मैं किसी का भी तड़पना नहीं देख सकती जी। मैंने उन्हें स्लीपिंग इंजेक्शन दिया और फिर मैं हर आधे घंटे बाद उन्हें देख लेती जी वो आराम से हैं या नहीं जी। आजी होते क्यों नहीं, इंजेक्शन मैंने जो दिया था जी वो मुझे हर बार आराम से गहरी नींद में सोते हुए मिले जी। तब जाके मुझे चैन मिला। योर ऑनर, मुस्लिम का टांग टूटने के एक्स-रे प्लेट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट्स एग्जिबिट नंबर 3 के तहत अदालत में पेश किए जा चुके हैं। नो योर ऑनर, ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये सब मेरी आंखों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाशा मैं यहाँ एक बार पहले भी देख चुका हूँ। ये वकील झूठी गवाहियों के सहारे इस 5 आदमी के कातिल को यहाँ से बचा कर ले जाएगा। मेजर सिंह, यू आर कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नो योर ऑनर, मैं कानून का आदर करने वाला एक नागरिक हूँ। कानून का अपमान कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने मुल्जिम को उस रात लड़की बगल में दबाए कार ड्राइव करते हुए देखा। मेरी आंखों के सामने ये 5 आदमी को कुचल कर निकल गया। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की मगर ये भाग निकला, लेकिन इसके बाएं पैर का जूता मेरे हाथ में रह गया। मेजर सिंह, जो जूता आपने इंस्पेक्टर को दिया था क्या वो यही जूता है? जी हाँ। नो योर ऑनर, ये वो जूता नहीं है। जो जूता मैंने दिया था वो लाल रंग का था। ये योर ऑनर, ये वही जूता है जो मेजर सिंह मुझे दे गए थे उस दिन रात के अंधेरे में। गुस्से और एक्साइटमेंट की वजह से शायद ये काले और लाल रंग के बीच तमीज नहीं कर पाए। माल खाने में जूता जमा करते वक्त उसका रजिस्टर में रंग काला ही दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर, काले और लाल रंग की तमीज करने में गलती मैंने नहीं तुमने की है। जूता लाल रंग का था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें रिश्वत खाई है। मेजर सिंह, ये मत भूलिए कि अदालत है कोई गली मोहल्ला नहीं। आप अदालत की तोहीन कर रहे हैं। जब तक कोई सवाल आपसे न पूछा जाए आप खामोश रहिए। नाउ यू कैन गो बैक। गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम श्री धर्मराज बेगुनाह हैं। अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है और यह अदालत यह भी महसूस करती है कि मेजर सिंह ने उस एक्सीडेंट को श्री धर्मराज से अपनी पुरानी किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। शायद उनका ख्याल था कि उनका महावीर चक्र अदालत की आंख पर पट्टी बांध देगा और इसी ख्याल से उन्होंने श्री धर्मराज के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई। मेजर सिंह ने जहां तक मेरा ख्याल है एक बार पहले भी झूठी एफआईआर लिखवाई थी और इस तरह उन्होंने दोबारा अदालत की आंखों में अपने आर्मी रिकॉर्ड की धूल झोंकने की कोशिश की। यह अदालत उनके आर्मी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कड़ी सजा देने से परहेज करती है, लेकिन महावीर चक्र पाए हुए किसी आर्मी मेजर को इस बात का हक नहीं है कि वो इस अदालत की तोहिन कर सके। इसलिए तोहिन अदालत के जुर्म में ये अदालत उन्हें अदालत के उठने तक अदालत के सामने खड़े रहने की सजा देती है। Ah!
बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। प्लीज छोड़ दो ना, ये जानू। कम ऑन रशी, कम ऑन। डाइव, डाइव, डाइव ना। कौन था वो वर्षा? हाँ वर्षा, बताओ कौन था वो? कौन था वो वर्षा? बताओ वर्षा, 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 नहीं वर्षा,
तो समझता था तुम बहुत भाग्य लड़की हो। अगर तुम्हें अपने तो आनंदी को कौन संभालेगा बेटी? मैं क्या करूं डैडी, मैं जानबूझ के थोड़ी ना रो रही। यही समझ लो बेटी, वो इतने दिनों के लिए लिखवा के आया था। ये तो मुश्किल है डैडी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो मर गए। चाहने वालों के आंसू झूठ नहीं बोलते बेटी, अब वो जिस दुनिया में नहीं है उस दुनिया में रहने की आदत डालो। वो लाश तो मैंने भी देखी थी डैडी, बेड में ही था, मगर पता नहीं क्यों मुझे वो उनकी लाश नहीं लगी। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। कानून अंधा है, सूरज की रोशनी होते हुए भी दुनिया की अदालत का कानून अंधा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मेरी अदालत का कानून अंधा नहीं, उसकी आंखों पर कोई पट्टी नहीं। श्री रघुनाथ राय जी, तो आप गांधी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारे शहर के इज्जतदार आदमी भी हैं। मेरे शहर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है कि तुम इज्जतदारों में गिने जाते हो। इंस्पेक्टर मल्होत्रा, याद है उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था? लेकिन मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम्हारा तजुर्बा उम्र में मुझसे बड़ा है, लेकिन उस दिन तुमने आधा सच कहा था। तुम्हारा तजुर्बा उम्र में मुझसे बड़ा नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन पूरा सच तो यह है तुम्हारी बेईमानी की तजुर्बे की उम्र मुझसे ज्यादा है। कांपो मत, अभी मत कांपो, अभी तुम्हें इंसाफ देखना है, फैसले की आवाज सुननी है। वकील रामनाथ साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने पेशे की परिभाषा जानते हैं आप? कानून की आवाज को पहचानते हैं आप? कानून यह कहता है जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो जाए वो बेगुनाह है, और तुमने बेगुनाहों को गुनहगार साबित करके गुनहगारों को बचाने में स्पेशलाइज किया है, और रघुनाथ राय की तरह तुम्हारी गिनती भी शरीफ और इज्जतदारों में की जाती है। तुम जैसों की शराफत और इज्जतदारी के कांधों पर हमारे समाज की इमारत टिकी हुई है। तुम लोग समाज के रक्षक नहीं हथियारे हो। यू आर नॉट द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, यू आर किलर्स ऑफ सोसाइटी। सुजन अभी अभी मिले समाचारों के अनुसार गांधी मार्ग के तीसरे चौराहे पर मिशन स्कूल के आते में पुलिस को प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रघुनाथ राय, एडवोकेट श्री रामनाथ और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री ए के मल्होत्रा की लाशें मिली हैं। इन तीनों लाशों के मिलने के कारण शहर में डर की लहर दौड़ गई है और हर तरफ सनसनी फैली हुई है। जनता का ढारस बंधाने के लिए पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं, लेकिन इन तीनों कत्लों ने पुलिस को हैरान कर दिया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस इन तीनों कत्लों की वजह नहीं समझ पा रही है। इन खूनों का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग पेशों और वर्गों के सम्मानित व्यक्ति थे, परंतु लाशें एक ही जगह मिली हैं, इसलिए पुलिस इन तीनों लाशों को एक ही सिलसिले की कड़ी मानने पर मजबूर है। पब्लिक से अपील की जाती है वो कातिल को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करे।
विशेष सूचना समाप्त हुई। जानती हो बेटी, ये तीनों वही थे जिन्होंने विजय को केस में फंसाया था। अगर आज विजय जिंदा होता तो ये खबर सुनकर कितना खुश होता। तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हें इस जमीन पर क्यों लिटाया गया है? सीधी बात है, तुम्हें अपनी कार के नीचे कुचलकर मरने वालों की आखिरी चीख की आवाज सुनना अच्छा लगता है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ, देखो देखो उधर। क्यों, पहचानते हो ना इस गाड़ी को? तुम्हारी ये गाड़ी चोरी हो गई थी ना? याद है उस रात इस कार में बैठकर तुमने क्या किया था? आज इंस्पेक्टर लाल इसी गाड़ी में बैठकर वही करेगा। और तुम अपनी चीख की आखिरी आवाज सुनोगे। तुम जिन्हें तूने मारा है वो भी मरना नहीं चाहते थे धर्मराज, अधर्मराज, दलील राज, कमीना राज, उस मौत का मजा चख जो तू दूसरों में बांटता रहा है। इंस्पेक्टर कार चलाओ। नहीं नहीं नहीं, मरियू किसी की जान नहीं ले सकता। नहीं नहीं नहीं, जान नहीं ले सकता, तुम कानून की जान ले सकते हो, इंसाफ की हत्या कर सकते हो, सच्चाई के गले में झूठ का फांसी का फंदा डाल सकते हो, लेकिन एक कातिल को मौत की सजा नहीं दे सकते। बांधो इस पेटे को गाड़ी के पीछे और तुम गाड़ी चलाओ, ताकि ये अपने ही खून में लिखा हुआ जानवर धर्मराज की कुछ नहीं हुई लाश के ऊपर से गुलब जाए। मिस्टर विनोद शर्मा, ये जख्मी शेर सिर्फ हमारी स्टेट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सिरदर्द बन गया है। इसे मामूली केस मत समझो। जख्मी शेर के चर्चे हर एक की जबान पर हैं, जनता की सहानुभूति भी उसके साथ है, इसलिए उसे कटहरे में बंद करना मुश्किल हो गया है। उसका सुराग लगाने और उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी गई है। दैट्स व्हाई यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। All the best. Thank you, sir. यहाँ क्यों आई हो? तुमसे मिलना था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? मेरे दिल ने तुम्हें मुर्दा मानने से इनकार कर दिया था। और ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? प्यार करने वाली आंखें दीवारों के आर पार देख लेती है ना? जरूर देख लेती होंगी, मगर रब, न्याय से दोस्ती और अन्याय से दुश्मनी के सिवा किसी और से मेरा कोई नाता नहीं। तुम्हारा नहीं, मगर न्याय से दोस्ती और अन्याय से दुश्मनी करने वाला अपना न्याय कैसे भूल गया? आनंदी को किस कसूर की सजा दी जा रही है? वो सुहागन होते हुए भी विधवाओं की तरह जिंदगी बिताने पर क्यों मजबूर की जा रही है? इस गुफा में तो इंसाफ अंधा नहीं है ना? मैं यहां आनंदी के लिए न्याय मांगने आई हूं। अगर तुम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो मान लो कि तुम्हारा कानून भी अंधा है। मैंने एक वकील होने के नाते आनंदी का केस तुम्हारे आगे रख दिया है,
अब न्याय या अन्याय करना तुम्हारा काम है। ठहरो, आनंदी को न्याय जरूर मिलेगा। अगर वो नहीं आए, आज ही मिल जाए, तो मैं समझूंगी कि मेरा यहां आना सफल हुआ। बताओ ना कहाँ है वो? ये मत पूछो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो तुमसे मिलने आ रहे हैं बस। ओ, 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 मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, सब लोग चौकन्ने रहना। न्याय की जय हो। न्याय की जय हो। क्या खबर लाए हो? आपकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली से एक स्पेशल ऑफिसर आया है, विनोद शर्मा। विनोद शर्मा, मैं हूं विजय। रहे थे आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? मैं कैसा हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ मत पूछो। मैं हूं यही काफी है। अच्छा, जरा एक पल रुकिए। सुनिए, इधर आइए। मत चाहिए। बहुत से अधूरे काम है जो मुझे पूरे करने हैं, मुझे जाना ही होगा। आप चली जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी नौबत आएगी मैं जानता था, इसीलिए मैं यहां नहीं आना चाहता था। जब तक मैं अपनों से दूर नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं अपने दिल पर पत्थर नहीं रख लूंगा, तब तक मैं अपने इरादे पूरे नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर आकर मिलूंगा, वरना समझ लो ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। चलता हूं। जैसे आप चाहिए वैसा कीजिए, मगर कल जरूर आ जाइए। कल करवा चौथ का व्रत और हमारी शादी की सालगिरह। ठीक है। स्पेशल ऑफिसर विनोद शर्मा जख्मी शेर को पकड़ने आए थे और खुद ही जाल में फंस गए।
मैं जानबूझकर तुम्हारे जाल में फंसा हूं ताकि तुमसे मिल सकूं, तुम्हें देख सकूं। गुड, खोल दो इन्हें। ओ, तुम मेजर विजय कुमार सिंह हो। तुम्हें कैसे पता चला? जिन लोगों ने अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, तुम्हें झूठा साबित किया, उनकी मौत से। यस, मैं ही मेजर विजय कुमार सिंह हूं। जिस इंसान ने कल तक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, आज वही इंसान उसी देश की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है। किसी ने सोचने की कोशिश की कि क्यों? मिस्टर विनोद शर्मा, अगर तुम्हारी आंखों के सामने किसी का खून हो जाए, किसी की मां बहन की इज्जत लूटी जाए, किसी के साथ नाइंसाफी हो, एक इंसान होने के नाते क्या तुम यह नहीं चाहोगे कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसे इंसाफ मिले? जरूर चाहूंगा। और अगर उसे इंसाफ ना मिला तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? कभी नहीं। तो फिर अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका तो क्या गुनाह किया? अन्याय के खिलाफ तुम भी लड़ रहे हो और मैं भी लड़ रहा हूं, तुम दोनों के उसूल एक हैं, तो फिर तुम मुझे क्यों पकड़ने आए हो? उसूल एक है मगर तरीके अलग अलग हैं। जान के बदले जान लेना कोई हल तो नहीं हुआ। तो फिर कातिलों को फांसी की सजा क्यों दी जाती है? मेजर विजय, मेरे पास तुम्हारी दलीलों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं मगर तुम्हें यह गैर कानूनी काम बंद करने होंगे। अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हें कोई सजा न दे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, लेकिन जिस बहन को मैंने बचपन में अपनी गोद में खिलाया हो, जिसे लोरियां गा गा कर अपने कांधों पर सुलाया हो, जिस बहन की शादी के लिए अपनी शादी का वादा तोड़ दिया हो, उस बहन की इज्जत को लूटने वाला, उसकी और उसके पति की जान लेने वाला, अगर मेरे हाथ लग जाए तो क्या मैं उसे यहां बंद करके तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। हां, जिस दिन उन लोगों से मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा, मैं खुद ब खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसके बाद तुम अपना वादा निभा सको या न निभा सको, तुम पर है। गुड बाय मिस्टर शर्मा। अर्चना किसके नाम पर करेंगी? मेरे पति के नाम की। पति का नाम? मेजर विजय कुमार सिंह। मालिके कल्याणमस्तु। तुम विजय कुमार की पत्नी हो ना? जी। तो ये सिंदूर, ये श्रृंगार, क्या तुमने दूसरा विवाह कर लिया है? मैं क्यों करने लगे दूसरा ब्याह? मेरे पति तो जिंदा है। जिंदा है? लेकिन मैंने तो सुना था कि वो। तो मैंने भी सुना था, वो सब झूठ है, किसी से कहेगा मत। वो जिंदा है और पुलिस से छुपी हुए है। कल रात मुझसे मिलने भी आए थे। बेचारी, शायद अपने पति के देहांत के बाद पागल हो गई है। मैं पागल नहीं हूँ, वो जिंदा है। आज करवा चौथ का व्रत और हमारे शादी का दिन है। आज रात भी मुझसे मिलने आने वाले थे। आप चाहिए तो हमारा घर आकर देख लीजिए। अनु, तुमने सच कहा था, वो जिंदा है। वो आए थे मुझे मिलने। वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी, मगर जानती हो तुम कर क्या रही हो? मैंने क्या किया? इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? मंदिर से, उनके नाम से पूजा करने गई थी। पूजा करने गई थी? गली मोहल्ले और मंदिर में सारे लोगों ने तुम्हें सुहागन के रूप में देखा होगा और सोचा होगा कि आनंदी तो विधवा हो गई थी, ये सुहागन कैसे हो गई? ठीक है तो सोचेंगे। और सोचेंगे कि विजय की मौत एक नाटक था। सो तो था। आनंदी, तुम समझती क्यों नहीं, विजय की जान खतरे में है
अगर पुलिस को पता चल गया कि विजय जिंदा है तो वो उसे पकड़ के फांसी चढ़ा देंगे और फिर तुम सचमुच विधवा हो जाओगे। नहीं। आज तक वो इसलिए जिंदा है क्योंकि लोग उन्हें मरा हुआ समझते हैं और इसका सबूत है तुम्हारी सुनी मांग, सुना माथा, सुनी बाहें। आज का तुम्हारा ये सुहागन का सिंगार तुम्हें तुम्हारे पति से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसीलिए ये सिंदूर पहुंच दो, ये बिंदिया मिटा दो, ये चूड़ियां उतार दो। तुम्हारा सुहाग इनमें नहीं, विजय की जिंदगी। आज करवा चौथ है, वो आने वाले हैं। कल बता दूंगी। इसका एक ही मतलब हुआ कि मेजर विजय कुमार सिंह जी अब तक जिंदा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसका यह भी मतलब हुआ कि अपनी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन अब किया क्या जाए? अजी, आपको क्या करना है? आप आराम से लेटिए, जो कुछ करना है वो मैं कर लूंगा। मेजर विजय कुमार, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मेजर विजय कुमार, सरेंडर योर सेल्फ। भलाई इसी में है कि अपने साथियों समेत हाथ ऊपर उठाए भाग आ जाओ। दिस इज द लास्ट वार्निंग मेजर विजय कुमार, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जख्मी शेर अपनी मांस से बाहर निकल चुका है और जिन जिन लोगों ने उसे जख्म दिए हैं उन्हें वो एक एक करके खत्म कर रहा है और उनमें से एक मैं भी हूं। इससे पहले कि वो मुझे खत्म करे हमें उसे खत्म करना होगा। ओके ओके। हरी आओ
लड़कियां चाहिए ना, भाग चाहिए। गौरी, हम यहाँ उसका आने का इंतजार कर रहे थे और तूने हमें धोखा देके उसे यहाँ से भगा दिया। झोपड़ी किसकी है? हमी है बाबू, हमी मसान के रखवाले हैं। मैं तुम्हारी झोपड़ी में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी से बाबू। और मेरे आने की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बाबू, नहीं होगी। चलो। मैंने तुम्हें जख्मी शेर को खत्म करने के लिए कहा था। एक कमजोर औरत को नहीं। हाय, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब उसे उसके पत्नी की मौत की खबर मिलेगी, उसकी लाश को देखने के लिए वो जरूर आएगा, लेकिन उस बार शुक्रिया मेरे दोस्त। ये क्या है? एक बेचारी औरत का किसी ने खून कर दिया, ये उसी की लाश है। लेकिन ये पुलिस क्यों साथ में है? कहाँ पता बाबू, सुना है कुछ गड़बड़ हुई रही, इसका पति पुलिस से फरार हुई गवा, पुलिस उसी की तलाश में है। कहाँ हुआ बाबू? कुछ नहीं। बोलो ना बाबू, बताओ ना, आपकी आंखों में आंसू। बोलो ना बाबू, बताओ ना, कहाँ हुआ बाबू, बोलो ना। ये मेरी पत्नी की लाश है। धीरज रखो बाबू, धीरज रखो, भगवान के यही मनसा थी, जिसने ठीक वक्त पे आपको यहां भेज दिया, पर ना इस बेचारी की चिता का हमका आग लगानी पड़ती, सुहागन की चिता का पति का ही आग लगानी चाहिए। ये पुण्य का काम आप ही अपने हाथों से करो। उठो बाबू। हरिया
होशियारी से रहना। जब तक ये लाल जलती रहे यहाँ से हिलना मत। चिता के राख होने तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे बाबू। पुलिस के जाने के बाद यहां कोई आया था? हम लोग यहीं छुपे हैं, कोई आए तो गला साफ करना। क्यों? क्यों कह? क्यों क्यों क्या करता है? क्यों कहता हूं वही कर? बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते। अबे मरना चाह रहा है तू भी इस स्थिति में? अच्छा तो तूने मारा इस बिचारी को? पूछ ले इस लाश से। Oh,
जिम्मेदार नहीं हूं मैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? बाबा काशीनाथ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब इस धरती पर पापों का बोझ बढ़ता है, तब तब इस धरती पर भगवान जन्म। इन लोगों को इस आश्रम और इस बाबा से अपनी जान ज्यादा प्यारी है, बोलो चले जाओ यहां से। तुम भी जाओ यहां से। अब बता, मेरी मां का कत्ल किसने किया था? बोल। इसी काशीनाथ ने तुम्हारी मां का गला दबाकर उसे जान से मार दिया था। झूठ, झूठ। ये अपनी जान बचाने के लिए अपना पाप मेरे माथे मल रहा है। मैं कसम खाता हूँ, इसी ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। खून, खून इसी ने। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, मैं जानबूझकर उसे नहीं मारा। वो बहुत गुस्से में थी, उसने मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी। मैं अपने आपे में नहीं रहा और गुस्से में आकर मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, और जब मैं आपे में आया तो वो मर चुकी थी। वरना तुम ही बताओ, मैं अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को कैसे मार सकता था? तुम्हारी पत्नी? इसका मतलब है कि तुम? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा बदनसीब पिता हूं। वर्षों पहले की गई एक छोटी सी भूल के कारण तुम्हारी मां ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया था। मुझे गुस्सा था तो बस इसी बात का कि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। मैंने जो कुछ भी किया मेरे बच्चे, तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं सच कह रहा हूं, भगवान की सौगंध। भगवान जो भगवान पति पत्नी के बीच प्यार को जन्म देता है, जो भगवान उसी पति पत्नी के बीच नफरत पैदा करता है, जो भगवान बाप बेटे को जुदा करता है, जो भगवान बाप बेटे को इस तरफ मिला भी देता है, उसी भगवान ने तुम्हें भी जन्म दिया और मुझे भी, ताकि इंसानियत के इतिहास में फिर कभी ऐसा ना हो कि कोई बेटा ऐसे हालात में अपने बाप से मिले कि कोई बाप अपने बेटे के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाए। जो गलती मैंने की तुम उसे मत दोहराना मेरे बच्चे। क्या तुम अपने ही हाथों अपने बाप पर गोली चला सकते हो? अगर तुम मेरे पिता ना होते तो शायद मैं तुम्हें अपने हाथों से ना मारता, मगर तुम मेरे पिता हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मेरी मां का खून किया है,
इसलिए कि तुमने मेरी मातृभूमि के साथ गद्दारी की है, इसलिए कि तुमने समाज को, सरकार को, जनता को धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, 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 नहीं। चलानी पड़ेगी। This is my last warning, मेजर विजय कुमार।
का नाम? जख्मी शेर। असली नाम? जख्मी शेर। ये तो लोगों को दिया हुआ नाम है, आपका असली नाम क्या है? अब मेरा असली नाम यही है। पिछले दो मौकों पर इसी अदालत में आप अपना नाम विजय कुमार बता चुके हैं। ये मेरे पिछले जन्म की बात है। वो विजय कुमार तो इसी अदालत में मर गया था। कानून, इंसाफ और विजय कुमार की मौतें एक साथ एक ही दिन यहीं पर हुई थी। मिस्टर विजय कुमार, विजय कुमार मर चुका है। नहीं, वो विजय जिंदा है। मिस्टर विजय कुमार आपके किस्म की मौत कोई मौत नहीं वकील साहब। विजय कुमार का बदन जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। क्यों? अपने समाज की गंदगी को देखकर। कैसी गंदगी है जो आपके सिवाय किसी और को नहीं दिखती? जो गंदे नालों के किनारे रहते हैं वो तो उसकी दुर्गंध के आदि हो जाते हैं। उस बदबू का हाल तो उस आदमी से पूछिए जिसे उस नाले के पास से पहली बार गुजरना पड़ा। वो उस बदबू में सांस नहीं ले सकता वकील साहब। तो अब तक आप कहां थे कि आपको इस गंदे नाले का पता ही नहीं था? मैं वहां था जहां की हवाओं में सच्चाई, बलिदान, बहादुरी और देशभक्ति की खुशबू होती है। मैं इस सड़े गले समाज के बाहर भारतीय सेना में था। चूंकि समाज में आपको ये खुशबू नहीं मिली तो आप मनमानी पर उतर आए और जख्मी शेर बनकर लोगों का कत्ल करने लगे। मैंने सरहद पर देश के दुश्मनों को कत्ल किया है और सीमा के अंदर भी उन्हीं को कत्ल किया है जो देश और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। आप भी समाज और कानून के लिए कोई छोटा खतरा नहीं मेजर साहब। क्या ये सही नहीं कि आपने शहर के मशहूर उद्योगपति श्री रघुनाथ राय का कत्ल किया? हाँ किया। श्री धर्मराज सिंह का कत्ल किया? हाँ किया। तो आप इकरार करते हैं कि आपने इन तमाम लोगों को कत्ल किया? आपके इस सवाल का जवाब मैं कितनी बार दूं? जी हाँ वकील साहब, जी हाँ योर ऑनर, जी हाँ मेरे देश के लोगों, मैंने इन तमाम गंदे और कमीने लोगों को कत्ल नहीं किया। मैंने इनमें से किसी को अचानक आ जाने वाले गुस्से में नहीं मारा। मैंने सोच समझ कर उन्हें सफाई का पूरा मौका देते हुए उन्हें सजाए मौत दी है। मुंजिम विजय कुमार खुद अपने जुर्मों का इतबाल कर रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसके लिए सजा मौत ही का मुतालबा कर सकती हूँ। योर ऑनर, मैं मुतालबा करती हूँ कि विजय कुमार उर्फ जख्मी शेर को सजाए मौत दी जाए ताकि इस शहर के शरीफ लोग चैन की सांस ले सके, ताकि इस शहर के मुअज्जिज लोग बिना किसी डर के अपना मुअज्जिज कारोबार जारी रख सके। योर ऑनर,
क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या पूछना चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके फैसले के खिलाफ अपील कर सकता हूँ? हाँ, इस फैसले के खिलाफ तुम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो। उस अपील का नतीजा क्या होगा योर ऑनर? पता नहीं, हो सकता है यहाँ का फैसला बहाल रहे और हो सकता है सजा कम हो जाए। मतलब ये कि हाई कोर्ट इज ऑनरेबल कोर्ट के फैसले को बदल सकती है और उस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। तो फिर आपका ये कानून किस किस्म का है योर ऑनर, जिसका हर अदालत अपना मनमाना मतलब निकाल लेती है? अगर आपके इस फैसले को हाई कोर्ट रद्द कर देती है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे साथ नाइंसाफी? तो क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि मेरी जान कानून के हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है? आप गलत फैसला भी कर सकते हैं योर ऑनर। पल भर के लिए आप भूल जाइए कि आप जज हैं और यह अदालत। फर्ज कीजिए आप एक मामूली शरीफ ईमानदार आदमी हैं जिसके सीने में दिल है और उस आदमी की आंख से उन तमाम लोगों की जिंदगियों को देखिए जिन्हें मैंने मारा है। तब जज बनकर फैसला कीजिए कि समाज पर मैंने जो एहसान किए हैं उन एहसानों की सजा क्या है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला करना किसी मामूली शरीफ आदमी का काम नहीं है, क्योंकि ऐसा फैसला पर्सनल फैसला होगा, जाती फैसला होगा जो कानून के हदों से बाहर है। That's the point, your honor. That's the point. नहीं तो एक जज का फैसला दूसरा जज कैसे बदल सकता है? समाज में रहने के बावजूद हम लोग अकेले जीते हैं। हर आदमी अपनी आंखों पर अपने न्याय का चश्मा लगाकर फैसला करता है। मैंने भी अपनी आंखों पर अपने न्याय का चश्मा लगाकर फैसला किया। आप भी अपनी आंखों पर अपने न्याय का चश्मा लगाकर फैसला करेंगे। मैंने उन लोगों को मारा क्योंकि मेरे ख्याल में वो लोग इसी लायक थे कि एक मौत नहीं हजार मौत मरे। मगर आप कहेंगे मुझे यूं कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। Don't take law in your hands. लेकिन जब आपने कानून अपने हाथ में नहीं लिया तो मजबूरन मुझे कानून अपने हाथों में लेना पड़ा। आप तो आंखों देखी कर सबूत मांगते रह गए, लेकिन मैं तो खुद सबूत था जज साहब। इसी अदालत ने खरीदे हुए गवाहों की बात मानी, मक्कार वकीलों की बात मानी, घूस खाने वाले पुलिस ऑफिसरों और बेईमान डॉक्टरों की बात मानी, लेकिन एक उसी आदमी की बात नहीं मानी जो सच बोल रहा था। अगर आप मुझे मौत की सजा देने वाले हो तो मुझे यह बता दीजिए कि आप मुझे यह सजा क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि तुमने कई आदमियों की जान ली। जब मैं मेजर विजय कुमार था योनर, तब अपनी भारतीय सेना का यूनिफॉर्म पहनकर मैंने सरहद पर 40 आदमियों को मारा, यानी आपके कानून की भाषा में 40 आदमियों को कत्ल। तो उन कत्लों के लिए मुझे फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? न सिर्फ ये कि मुझे सजाए मौत नहीं दी गई बल्कि मुझे मार्वल चक्र से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? क्यों सम्मानित किया गया? बोलिए योर ऑनर। इसलिए कि वो दुश्मन थे। तो क्या दुश्मन इंसान नहीं होते योर ऑनर? होता है, लेकिन वो देश के दुश्मन थे। वो कैसे योर ऑनर? क्योंकि उन्होंने हमारे देश पे हमला किया था। क्या ये बात भी उतनी ही सच नहीं है योर ऑनर कि वो अपने देश के सुरमा थे और अपने देश के लिए लड़ रहे थे? क्यों नहीं, ये भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है से आपका मतलब क्या है योर ऑनर? वो हमारे भाई थे, हमारे पड़ोसी थे। जैसे मैं अपने देश के लिए लड़ रहा था वैसे वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। देश के उन भक्तों को मारने पर मुझे महावीर चक्र सम्मानित। मगर अगर कोई उन्हें मारे जो देश के होते हुए देश के दुश्मन हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, मातृभूमि का अपमान करते हैं, अगर यही आपका कानून है तो उसे हजारों सलाम देना, अगर यही आपका न्याय है तो उसे हजारों